अजहा से आगे पिछले साल की तुलना में कश्मीर में बलि के जानवरों की मांग में 50-60% तक की गिरावट आई है, जबकि व्यापारी आशावादी हैं कि लॉकडाउन में आसानी से उनकी बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 प्रतिबंधों के फिर से लगाए जाने के बाद बलि करने वाले जानवरों की बिक्री कम होती जा रही है, लेकिन कुछ दर्जन डीलरों को जमीन पर देखा जा सकता है। बैक टू बैक लॉकडाउन ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है, क्योंकि लोग अब बलि के जानवरों को खरीदने में संकोच कर रहे हैं। बताते चले कि ईदगाह मैदान बलि जानवरों की बिक्री के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जहां कोविड-19 प्रतिबंधों से फिर से लगाए जाने के बाद से निम्न स्तर की गिरावट देखी जा रही है। केवल कुछ दर्जन डीलरों को जमीन पर देखा जा सकता है। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। मैं गुलाम नबी, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहता हूँ, तहसील डिंगाम में। तो सर्दियों में हम चले जाते हैं वार्ड 1 मड़ुआ में, तो नहीं सर्दियों में हम कठुआ में, तो गर्मियों में हम चले जाते हैं वार्ड 1 मड़ुआ में। अब वहाँ से हम लोग आए हुए हैं मड़ुआ से यहाँ तक, गाड़ी का किराया, अपना खर्चा, यहाँ हमारे लोगों की खुशहाली है। पिछले साल के ये बेड़ू बचे हुए हैं जो लोगों के मोल के खरीद कर, किसी के 30 मर गए, किसी के 20 मर गए, इसमें हम ये लोग यहाँ रोडों पर। अब गवर्नमेंट ने 220 रुपया निकाला, क्या 220 रुपया रोड, जो गाहक आता है कहते हैं कि 220 रुपया रेट है, उसमें हमें कुछ भी नहीं है जनाब। हमारे लोगों की तबाही हो गई भी है। रोडों पर देखिए कितने लोग खड़े हैं, हज़ारों के तादाद में हमारे लोग खड़े हैं, कोई खाना पीना कुछ भी नहीं है, और बाज़ार भी बंद हैं पूरे। लॉकडाउन की वजह से हम लोग ख़त्म हो गए, अब हम बच्चे कैसे पालेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग तबाही हो गई है हमारी, इसी तरह खड़े खड़े ही। हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या 220 रुपया निकाला है, पाँच साल के हमारे पास 6-6 साल के बकरे हैं, 6 साल तक हमारी बीवी बच्चे सब इनके साथ में चलते हैं। हमारे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा इस वक्त। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब हैं और गवर्नर साहब हैं, कि यहाँ की जो मतलका गवर्नमेंट है उसके साथ हम ये कहते हैं कि कम से कम 300 तो होना चाहिए बकरे का, 350 बेडू का। अब हमारे कैसे, जो इनको हम खिलाते हैं हमारा वही नहीं, जो इनको हम पेट पलाए हमारी वही नहीं पूरी हो सकती, हम कैसे लोग चलेंगे इस पर। हम ज़िला पुंछ में रहते हैं और हमारे साथ साथ यहाँ नानसाफी है कि बेडू का और बकरे का जिंदे का मूल लगाते हैं कि क्या बोलते हैं कश्मीरी भी और कसाई भी गाहक भी कि भाई 220 रुपया गवर्नमेंट का रेट है, तुम कैसे बेचते हो ज़्यादा पर, हमको पुलिस भी तंग करती है और ज़िम्मेदार जो लोग ख़रीदने वाले हैं वो भी बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। तो हम कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म हो गया, जो हम दो साल तीन साल इस माल को साम कर पाल कर मेशियों को लेते हैं यहाँ, तो आज उनका मूल कोड़ी के बराबर भी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका रेट बढ़ाना चाहिए, तो ज़िम्मेदार को हमें बेड़ू का और इस माल मवेशी का मूल अच्छे तरीके से ताकि मिले, ताकि हमारी भी रोज़ी रोज़गार का मसला है। 12 महीने हम इसी के पीछे चलते रहते हैं बीवी बच्चे लेकर, तो अगर इसका मूल हमारा ये मिट्टी के बराबर हो गया तो हम अपने बाल बच्चे को किस ढंग से पालेंगे। लॉकडाउन से कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा जी? लॉकडाउन से बहुत प्रॉब्लम आ गई, बहुत मुश्किल हो गई कि हम अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, कस्टमर भी यहाँ नहीं आ सकता उनके ख़रीदने के लिए, तो इसलिए हमें लॉकडाउन का भी बहुत ज़बरदस्त उससे नुकसान पहुँचा है हमें। इसलिए हम हमारी ये अर्ज है गवर्नमेंट के आगे भी, डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब या गवर्नर साहब उनके आगे ये हमारी रिक्वेस्ट है, अर्ज है कि हमारे माल ताकि अच्छे ढंग से अच्छे मूल पर बेचे जाएं। पिछले ईद भी हड़ताल हुआ था यहाँ पर 12-13 सितंबर को ख़त्म करने के बाद, उस साल कैसा काम रहा था इस साल का? पिछले साल भी हड़ताल हुआ था यहाँ पर जब आर्टिकल को तोड़ा गया था, ईद आई थी, उस साल कितना नुकसान हुआ था आपको? पिछले साल भी ऐसे हमारा माल जो है वापस मुड़ कर गया, हड़ताल हो गई तो हम वापस लगे, उनमें से जिसका 100 नाग था उसके 30-20 मर गए सियाल में, तो बाकी जो माल बचा वो आज उसका भी कोई मूल नहीं है,
इसलिए हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के आगे कि हमारे मुल्क का माल का मूल अच्छा सा मिलना चाहिए हमें। जी सर, मेरा नाम तालिब हुसैन है, मैं कुकरनाग से हूँ और हमारे पास माल सर हर किसी कौन से या जम्मू से, कई लोग बाहर से आते हैं कि साल भर ये ईद का एक दिन आता है तो ये लोग वहाँ से भी बहुत बड़ी कीमत का माल उठाते हैं। इतना माल की दो साल से हमें इतनी रेट नहीं पड़ रही है, बहुत बड़ी मुश्किल है जो हमारे बकरवाल हैं उनको। किसी का तो अपना माल है, किसी ने अब मुल्क ख़रीद के लाया है माल, तो उससे दुगना बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की, आज बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की 220 रेट है। अगर गवर्नमेंट की ये है तो ये तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट वालों को भी, अगर 200 में है तो वो हमें तोल के वहाँ से देते हैं, 250 में हमें वहाँ से माल उठाया है, इसलिए तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। तो चलो हमें इस बार करना कुछ है, या घर के कहीं किसी जो गरीब खानदान से जिसने ये काम शुरू किया उसने घर की ज़मीन बेचलवानी है वो बेचनी है। यहाँ के जो भाई हमारे लोग हैं वो बोलते हैं कि आप जुल्म करते हो जी, आप ज़्यादा पैसे लेते हैं। अगर हमारी परेशानी देखे तो हम पे तो दुगना जुल्म हो रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट को ये बड़ी और रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे वाले हमारे बच्चों परिवार के बारे में सोचिए कि कितना हमारा नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस से कितनी मुश्किलों का सामना किया सर? पहले तो हम कोरोना वायरस की बहुत एक पालिंग कर रहे थे कि मान लो जम्मू से जब हम आए तो माल मवेशी का हमारा काम है, तो माल मवेशी का इतने भी करके कि हमने यहाँ से वार्ड वन गए तो तब तक भी हम उसका पालिंग करते रहे, लेकिन आज इधर आके तो हमें उसकी भी बड़ी दिक्कतें हैं, तो वो भी हम सोच समझ के काम कर रहे हैं। तो इतना तो अब हम सीधे अपने पेट के बारे में बात कर रहे हैं कि दूसरे लोगों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम ये नहीं है, ये अपना आप ही बचाना चाहिए और हमें भी बचाओ किसी वजह से। पिछले साल जब 2017 को ख़त्म किया गया था उस वक्त भी आपको बहुत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, हमारा माल जब से किसी ने कहाँ से लाया तो वो माल वापस गया, हमारा माल वो बिका नहीं, वो वापस गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.